If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. तो कहाँ थे आप? आइए इस वीडियो में लोग देखते हैं अपने पिक्चर को बैकग्राउंड पे किस बेसिस पे ऐड करते हैं और टैटू को किस परफेक्ट जगह पे हम लोग ऐड करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं पहले पिक्सार्ट का ओल्ड वर्जन। इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा बैकग्राउंड, इनकी भी लिंक नीचे होगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा हम लोग का पिक्चर, इसकी बैकग्राउंड मैंने पहले ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कैसे रिमूव करते हैं, कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए अब हम इस पिक्चर को इस साइड को रोटेट कर देते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट पहले से इस साइड में है, देख रहे हैं। ठीक है, इस साइड रोटेट करने से क्या हुआ, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक इंटेंशन बन गया। ठीक है, क्योंकि उसका बैक साइड इस साइड था इसलिए ऑफवर्ड लग रहा था। देखिए अब सही है, हम लोग उसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बैकग्राउंड के कंपैरिजन में ज्यादा लग रहा था, अभी थोड़ा सा और कम करते हैं। चलिए अब देखिए अब सही है, क्योंकि इसका बैक पीछे गया, अब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंटेंशन बन गया। ठीक है, तो हम इसको ऊपर से अब सेव करते हैं। इन सब से चीज का आप ख्याल रखिएगा ऐड करते टाइम। ठीक है, हम लोग चलते हैं इफेक्ट में, इफेक्ट में चल के कलर में चलते हैं, कलर में चल के कॉन्ट्रास्ट में, ये कॉन्ट्रास्ट, और उसके बाद नीचे हम लोग शैडो बनाते हैं। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग पहले कम करते हैं, ये हो गया, ब्रश पे इन्वर्ट करते हैं, साइज को हम लोग कम कर लेते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, अमाउंट कुछ और कम कर लेते हैं हम लोग, डार्क करते हैं। चलिए हो गया, हम लोग इसको आराम आराम से यूज कर लेते हैं। तो जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग यूज कर लेते हैं पहले। अब यहाँ हमने ऑपेसिटी यहाँ से कम करेंगे और उसके बाद ऊपर, सिर्फ ऊपर में हल्का सा यूज करेंगे। ठीक है, वहां पर कम पहले ओरिजिनल कर लेते हैं, सॉरी, और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रहने देते हैं और नीचे में ज्यादा डार्क है। ठीक है, ये देखिए ऊपर में हल्का लाइट, नीचे में डार्क हो गया। देखिए हम लोग का इफेक्ट क्या था, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ड्रो में, ड्रो में चल के हम लोग उसका टी शर्ट का कलर चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो कलर, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप पहले लेयर देख लीजिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाता है इम्पैक्ट लेयर। ठीक है, यहाँ से ब्रश का साइज अपने, उसके बाद कैपेसिटी को पूरा बढ़ा देंगे, उसके बाद इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। कलर सही है, चलिए इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए इतना हम लोग यूज कर लिए पूरे बॉडी पे, जितना टी शर्ट था उस पर हम लोग मार्क कर दिए येलो से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर लेयर पे क्लिक करेंगे, इसको पहले इस साइड मूव कर देते हैं, यहाँ पे लेयर पे करेंगे, यहाँ नॉर्मल है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको डार्क ऑप्शन पे करेंगे। ठीक है, ये रहा डार्क, देखिए अब परफेक्ट हो चुका। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। चलिए हो गया, अब हम चलते हैं इफेक्ट में, उसके बाद पैंट का कलर हम लोग चेंज करते हैं, उसका हार्डनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, सेचुरेशन कुछ बढ़ाते हैं। चलिए तो इन्वर्ट कर लेते हैं, साइज को हम लोग कम कर लेते हैं, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ से सेचुरेशन हम लोग बढ़ा देते हैं क्योंकि नजर आए। ये देखिए हम लोग पूरा पैंट पे यूज कर लेते हैं, ये हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग अमाउंट उसका चेंज करते हैं, ब्लड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, वेट कम कर लेते हैं, सेचुरेशन तो ज्यादा था ही पहले से, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हैंड पे ज्यादा हो गया हुआ। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा है, इसको भी रिमूव कर लिए। तो इन सब छोटी छोटी चीज को देखिए, वरना वो बाद में फोकस करेगा बहुत। चलिए हो गया, हम लोग चलते हैं फिर से इफेक्ट में, उसके बाद हम लोग चलते हैं फेस का कलर चेंज करते हैं। तो ये रहा सिनेरेमा, देखिए अभी भी सिनेरेमा वर्क कर रहा है इस पिक्चर में, तो मैक्सिमम पिक्चर में आपको ये सिनेरेमा ही वर्क करता है। ठीक है, तो हम इसको हार्डनेस बढ़ा के इसका फेस पे यूज कर लेते हैं सिनेरेमा को। चलिए हम लोग यूज कर लिए, यहाँ से हम लोग अमाउंट सही है सब कुछ। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या है कि देखिए हम लोग को फोकस नहीं है फेस पे, ब्लर लग रहा है, तो हम लोग HDR में चलेंगे। अब जितना स्किन पे यूज किए थे सिनेरेमा, वहां पे हम लोग HDR यूज कर लेंगे, तो उसका हार्डनेस क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसको पूरे स्किन पे यूज कर लेते हैं। हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे, देखिए अब हम लोग इसका अमाउंट थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ब्लड हमेशा आप कम ही रखिएगा, ठीक है, HDR यूज कीजिएगा तब। सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फेड कम कर लेते हैं, हो गया सही है। हम इसका टी शर्ट का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं।
हम चलते हैं इफेक्ट में, इफेक्ट में चल के नीचे कलर में आते हैं। नीचे कलर में आके ये कलर रिप्लेस पे आते हैं, हम लोग येलो कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से अमाउंट को चेंज करेंगे। ये देखिए ये मस्त लग रहा है कलर। ठीक है, तो इसकी हम लोग अप्लाई कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऐड पिक्चर पे, कुछ टैटू वगैरह हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जितना बैकग्राउंड यूज़ हुआ है सब वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाके। चलिए टेक्स्ट PNG भी कुछ ले लेते हैं। तो हम लोग की पिक्चर एडिट हो चुकी है, बस हम लोग ऐड कर देते हैं PNG को। चलिए हो गया। अब हम लोग ब्रश पे आके उसको कम करते, वो जो एरिया है ना उसको रिमूव करते हैं। हमेशा जब टैटू ऐड किया जाए तो कुछ एरिया को अपने शर्ट या जो टी शर्ट है जो भी उसके अंदर कीजिए और उसको रिमूव कर दीजिए, तो ऐसा लगेगा कि वो टैटू उस पे उस बॉडी पे किए, क्योंकि आधा एरिया उस टी शर्ट के अंदर में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए अब सही लग रहा है। इसका अमाउंट हम लोग कम कर लेते हैं, तो पिक्चर हम लोग की एडिट हो चुकी है। चलिए हो गया, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको HD में कैसे सेव करते हैं ऊपर वो कॉर्नर में क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।